नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको थंबनेल में बताया था कि नए इंजन में कौन सी समस्याएं जल्दी से जल्दी उत्पन्न हो रही हैं जो आज के ज़माने में इंजन मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। यह इंजन है अभी 6 महीने पुराना ही है, मान के चलिए ये गारंटी के बाहर 1 वर्ष की गारंटी पे होता है तो इसमें 1 वर्ष 1 महीने ही हुआ है, चला कम है, यूज कम किया गया है, उसके बावजूद यह इंजन इतना ज़्यादा ऑयल उठा रहा है कि मानो कि कभी कभी बिना मोबिल के ये लोड ले चुका है। इंजन की क्वालिटी और इंजन की प्रिंट को देख सकते हैं, कितना नया है कितना पुराना है। इंजन की स्पीड को देखेंगे, अभी बिल्कुल बिना सील टूटे हुए उतना ही कंप्लीट क्लियर चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस इंजन में ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है कि यह ऐसी समस्या सभी इंजनों में हमें देखने को मिल रही है, तभी इसीलिए मैं इसका समाधान लेकर आया हूं। जैसा कि आपने देखा कि थंबनेल में या आपके इंजन में भी समस्या हो सकती है, तो यह इंजन इतना ज़्यादा ऑयल उठा रहा है कि मानो कि पी रहा हो। तो हम हेड खोलेंगे, इसके बाद में इसका हम रिंग और लाइनर चेक करेंगे। हेड भी मैंने ओपन कर दिया है, उसके बाद में मैंने लाइनर ब्लॉक को भी नीचे उतार लिया है। लाइनर तो कटा नहीं अभी 6 महीने में, कितना कटेगा, बहुत ज़्यादा 100 से 150 घंटे ही ये चला हुआ है और मोबिल इतना खपत कर रहा है, देख सकते हैं कितना पिस्टन भीगा हुआ है। यहाँ पे ये रिंग थोड़ा टाइट हमें दिख रही है, क्योंकि ये दिक्कत कर रही है, क्योंकि ये पूरा ऑयल लाइनर में सफाई नहीं कर पा रही है, इसी कारण ये ऑयल ऊपर की तरफ रिंगों के जरिए खपत हो रहा है। सीआर बैरिंग भी इसका सही है, इसमें भी कोई हमें कमी नहीं दिखी है, यहाँ पे भी ये सेटअप सही है, तो इसके लिए हम ये रिंग को रिप्लेस करने वाले हैं ताकि यहाँ पे ऑयल को रोका जा सके। तो इसके लिए हमने नए रिंग मंगवाने पड़ेंगे, तभी हम इसका समाधान कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हेल्पर पत्ती भी लगा सकते थे, नहीं, काम संतुष्टि पूर्वक करें। ये देख सकते हैं, स्प्रिंग लोडेड रिंग स्पेशल ऑयल के लिए ही आती हैं, ये चाहे जितना आपका लाइनर रिंग उठा रहा हो उस पे हम मोबिल को रोक सकते हैं। कंपनी भी देख सकते हैं किस कंपनी की हम रिंग को सेटेबल कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी ब्राइटी को भी हम दिखाना चाहेंगे किस किस टाइप की। ये स्प्रिंग लोडेड रिंग है ऑयल स्प्रिंग में, तो हम रिंग को स्पेशल इसमें पैक देखेंगे कि हमारा रिंग कंप्लीट क्लियर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे इसको रिंग को डाल के लाइनर में देखा जाता है कितना लाइनर कटा हुआ है, तो देख सकते हैं लाइनर में अभी कोई कटास नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम आपको ऐसी ही जानकारी देते हैं जिस जानकारी से आप इसमें फ़ायदा ले सकें। तो अच्छी तरह से पिस्टन को साफ करने के बाद में हम रिंग को इसमें पिस्टन में सेट करेंगे फिर लाइनर में। तो पहले हम ऑयल रिंग की स्प्रिंग जो आती है, ये साथ में ही स्प्रिंग कंपनी के साथ में आती है, रिंग थोड़ा महंगा आता है। अगर आपका इंजन ऑयल उठा रहा है तो यह रिंग आपको लगा के इसे ट्रायल कर सकते हैं कितना हमारा ऑयल उठा रहा है। तो आराम से इसमें लगाइए, इसमें स्क्रू ड्राइवर या पेचकस के ज़रिए यहाँ पे रिंग को लाइनर के अंदर नहीं सेट कर सकते, क्योंकि बहुत ये नॉर्मल रिंग होती है, बहुत हल्के ही दाब में टूट जाती है, तो इसको थोड़ा बारीकी से चढ़ाना पड़ता है। और इसमें ये जो फर्स्ट रिंग जो नीचे की तरफ आता है, इसमें थोड़ा एक कट बना होता है, देख सकते हैं ये कट नीचे की तरफ रखा जाता है। इस रिंग का प्राइस थोड़ा महंगा होता है और यह रिंग सिर्फ किर्लोस्कर या फील्ड मार्शल या ऊषा के लाइनर में ही इसे फिट कर सकते हैं। और गोट्स का लाइनर आता है कंपनी का, जिस कंपनी के रिंग है उसमें भी ये लगा सकते हैं। स्टील के लाइनर में इस रिंग को नहीं फिट किया जा सकता है, ये नॉर्मल रिंग होता है जो हम लगा रहे हैं दूसरे नंबर पे। इस ये इधर उधर को किसी तरफ भी लगा सकते हैं। और टॉप वाला रिंग थोड़ा
टाइट होता है स्टील कवर में, स्टील की लेयर लगी होती है, देख सकते हैं ये, इसमें कोई धार नहीं होती है, ये चिकना रिंग होता है ये, क्योंकि ऊपर आग से बचने के लिए यहाँ पे ये हार्ड रिंग लगाई जाती है। तो यहाँ पे हमने चारों रिंग को पिस्टन में कंप्लीट कर दिया है। अब लाइनर में इसको फिट करेंगे, देखते हैं कैसे फिट करते हैं। थोड़ा हल्का हल्का ऑयल लगा लीजिए ताकि ये लगाने में आसानी हो। तो लाइनर में भी लगा दिए थोड़ा थोड़ा मोबिल, और रिंग के जो चारों कट होते हैं इधर उधर कर लेने हैं ताकि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत ना हो, कंप्रेसर वीक ना हो और ऑयल भी अच्छी तरह अपनी जगह को सेटलमेंट कर सके। तो रिंग को आप देखेंगे कैसे मैं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, हालांकि इसमें स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ प्रेशर रिंग को फिट करने के लिए। अगर स्प्रिंग लोडेड रिंग आपके पास आप फिटिंग कर रहे हैं तो इसमें स्क्रू ड्राइवर को ना लगाएं, हल्के हल्के हिलाने से वो रिंग आपका सेटलमेंट हो जाएगा, इसमें स्क्रू ड्राइवर को नहीं लगाना है। स्क्रू ड्राइवर से ये ऑयल रिंग बहुत जल्दी टूट जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ऊपर चढ़ाने में जैसे कि ऊपर पकड़ के चढ़ाया जाता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मगर स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा हाथों के ज़रिए, थोड़ा हम हल्की चोट के ज़रिए इसको रिंग को फिट करेंगे ताकि आपकी रिंग भी ना टूटे और इंजन में भी अच्छे तरह से अपना काम करे जाके। तो ये रिंग, स्प्रिंग का दबाव ज़्यादा होता है तो रिंग थोड़ा टाइट जाती है, और पेचकस की मदद न लें, ये रिंग बहुत जल्दी टूट जाती है, ये आपको ज़रूरी ध्यान दें। हल्के हल्के थोड़ी से पिस्टन में हल्का हल्का चोट लगाएंगे तो अपने आप वो खुद अपनी जगह को सिकुड़ जाती है और अपने आप चली जाती है अंदर को। हम यही आपको बताने वाले हैं कि इसमें इंजन ऑयल यहाँ से इन रिंगों से आपका ऑयल उठाना बंद कर देगा। ये मैंने ब्लॉक बॉडी को सेट कर दिया है, देख सकते हैं, और यहाँ पे चारों बोल्ट मैंने फिट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पिस्टन को क्लियर कर दिया है ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो, और ज़्यादा बारीकी बताने से वीडियो लंबा हो सकता था। तो यहाँ पे मैंने अभी इतना आइटम हमारा खुला पड़ा हुआ है, तो हेड को हम भी रखेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा वीडियो संपूर्ण हो और आपको इंजन स्टार्ट करके दिखाते हैं, और इसको ट्रायल करने के बाद में आप ऐसी समस्या से अगर परेशान हैं तो यह प्रक्रिया ज़रूर करें ताकि आपका भी इंजन नए जैसा फिर चलने लगे। इसमें चलने की कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ ऑयल ही उठा रहा था, इंजन नया है, इसमें सील ईल मैंने कुछ नहीं, ये भी देख सकते हैं कंपनी की ही सील यहाँ पर रुकी हुई है। यहाँ पे हमने इंजन को कंप्लीट करने के बाद में हम आपको स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं। तो अभी हमारे टंकी की डीजल टैंक को कंप्लीट किया जा रहा है, ये प्लेट मैंने खोला था क्योंकि सीआर वायरिंग को खोलना पड़ा था, क्योंकि चेक भी करना था हमें कहीं सीआर वायरिंग तो नहीं ख़राब हुआ है। तो सारा कुछ कंप्लीट करके आपको स्टार्टिंग करके दिखाते हैं। अगर कोई समस्या रह गई तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। तो इंजन को स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं इंजन अपनी ही जगह पे स्थिर रुका हुआ है, उसी जगह पे हमने फिर स्टार्ट करते हैं। इंजन बनने के बाद में देख सकते हैं ये हमारा इंजन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, इस समस्या से आप भी परेशान हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, क्योंकि ये पॉइंट्स सील तोड़ने के बाद भी ऐसा फिट हो चलेगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने बोल्ट नट जो होते हैं इसके मैंने ठीक उसी प्रकार से लगाए हैं जैसे कंपनी की तरफ से लग के आए थे। तो दोस्तों, वीडियो हमारा कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।